मोहम्मद रफ़ी खावर। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी खावर जिसे हम नन्ना के नाम से जानते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों में एक बेहतरीन मजाया अदाकार की हैसियत से जाने जाने वाले अदाकार नन्ना, ताहम कई मौक़े पर उन्हें अपनी संजीदा अदाकारी से भी नाजरीन को बहुत मुतासर किया। उनका असली नाम रफ़ी खावर था। नन्ना 1964 में रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम के ज़रिए अपनी फनकाराना सलाहियतों को इस भरपूर अंदाज में पेश किया कि फिल्म साजों की नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। 1965 में उनकी फिल्मी कैरियर का ऐसा आगाज़ हुआ कि उन्होंने फिल्मों में ज़रूरत बना लिया। उनके क्रेडिट पर यूं तो बेशुमार फिल्में हैं, ताहम पर्दे में रहने दो, आस, नौकर, दुबई चलो, साला साहब और आखिरी जंग बहुत मशहूर हुई। 4 अगस्त 1944 को पैदा होने वाले इस हर दिल अजीज हीरो नन्ना की गोल मटोल चेहरे पर मासूमियत खेला करती थी। वो अपने फरबा जिस्मानी हैत से मजाज तख्लीक करते थे। स्टेज पर चढ़ते तो देखने वाले हंसने और लोटपोट होने लगते, टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते तो अल्फ नून जैसे मयारी खेल वजूद पाते। फिल्म के पर्दे पर उनके अंदाज सबसे जुदा गाना थे। नन्ना और अली जाज ने अपने फनी कैरियर का आगाज एक साथ ही किया। थिएटर और टीवी के अदवार गुजार दोनों एक साथ पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हुए। इन दोनों का साथ नन्ने की वफात तक कायम रहा। ऐन अरूज में जब वो एक अदाकारा की जुल्फ के असीर होकर दिल हार बैठे, लेकिन उन्हें मोहब्बत रास ना आ सकी, वो बेवफाई की चोट को बर्दाश्त न कर सके और जान वार बैठे, रफ़ी खावर नन्ना ने तमाम उम्र लोगों में मुस्कुराहटें बांटी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का ड्राप सीन बहुत पुर दर्द था, जैसे लोग आज तक नहीं भुला सके। आखिरी जंग उनकी ज़िंदगी की भी आखिरी फिल्म साबित हुई। साल 1986 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। इस बरस ये फनकार भी दुनिया छोड़ गया। नन्ना की अदाकारी आज भी पाकिस्तानी फिल्मों के अरूज का दौर याद दिलाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आफरीन जानू, एदी गल दा बोरा ना मनाई, ए बोका साडा कमी कमीन ते तू ही चूहा महीन ते बड़ा ही लहीन है। गल सुन मुछां ले बग्गू गोशे, तू ए बंजर जमीन ते मैं हल। तू ही गल सुन कहानी कुरबानी, मैं ला देंगा तेरी खल। मैं चलिया हकीम को तो उठे करूंगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टल। ओए डोंगे, ये तू हकीम नाल जाके किते गल ते तेरी टौण च पा देंगा वल। जानो इस गर्म हमाम ने जाके करनी है तेरे प्यू नाल गल, ते तेरे प्यू ने जाने अंदरों हल, ते फिर समझ ली साडे वाला खड़क जाना टल। आफरीन हकीम जी, फिर मौत दे फरिश्ते कोल मैं बच ता सकना कि जे तुसी मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो, सारी जमीन, सारी जायदाद, कुल कायनात, मैनू हुक्म करो मैं किदे नाल लावां तुहाडे। कोई शादी हाजिर है जनाब। मेहमान दी खुशियां लट के जश्न मना रहे हो, रब दा वास्ता है मेरी कोई नु मदद बचा लो। अल्लाह जोड़िए सलामत रखे, अल्लाह के नाम से पुशिंदा करते जाएंगे। ये लो बाबा, आप तो ईमान से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये आपने काम छोड़ क्यों दिया। 2 जून 1986 में उन्होंने जैसे कि कुछ अजीब सी खुशियों की जगह है, यहाँ पर आपका दम नहीं घुटन, कभी आप आएंगे नहीं कभी चले आएंगे। सरेआम शराबी ने आहो लै चला थाने। मैं नहीं थाने जाना। क्यों? उतो दिन मंजिल खटमल बड़े होंगे। बकवास करो, चलो उन्हें कीता
और सरेआम शराब पीती और की किता है झटका वड्डा जुर्म दसंदा है दस तुने को कह लुका है एवं नजला जुकाम दिया गया जशांदा पी रहे लाओगे एक पैग मैं क्या तुम भी जाओ कि तहु भी सुखावा बड़े दे शर्म है भाई वेखे चाचा साढ़े क्या बजा तबीयत साफ हुई है कि नहीं तबीयत साफ हो गई जी कपड़े मैले हो गए दस सुल्तान किथे वे सुल्तान पहले तो आप तुसी मफरूरा नु घेर पुर के कर देंदे अगले ने आके मेरा सिर ला के अपने सिर ते ला के ते पै गया वो तो बड़ी मुश्किल नाल मैं अपनी बॉडी बचाई दुपट्टा फड़ गई तो निकल गई सिद्धे ने जब बंदा मर गया मेरी गल से सुनो पावर हाउस जी तुम्हारी जुल्फों के जाल में मैं नहीं आऊंगा मेरी लाते हैं पतली मैं नाचे जाऊंगा ना सो पतली मैं नाचे जाऊंगा मैं तो पाजी जाऊंगा शादी मैं हूं पिछा मुड़ के ना देखा मैं तो पहले गली के बच्चे खांगड़ माझ को बच के आया उन्हें मेरा मूड खराब कर अपने प्यो जी सुन लै जिदा लुकमान हकीम की गड़बी वर्गा मूह है जिन्नी बारी मैं दुकान से तेरे ब्याह की गल कर गया ना उन्हें मेरी नबज वेख के मेरिया कोई 101 बीमारियां गिना दी जे मैं तेरे प्यो दी बीमारियां जावा मैं ब्याह करा नहीं सकता मैं सारी उम्र तेरे प्यो को इलाज करावा वे मेरा प्यो असली हकीम नहीं वो तो नीम हकीम है ते एहो जे नीम हकीम लोकन झूठियां मर्जां दस के ते उन्हां दा बेड़ा गर्क करदे ने बस फिर ठीक है तेरे प्यो दी ऐनक भन्नी पएगी ना किसी नबज वेख सकेगा तेरे को किन्ने अंडे ने तेरे सिरे मेरे को तीन ही अंडे आए क्यों बाकी दी कुकड़ियां बुढ़िया हो गई ने लिया ला रा रा ओए सानू कच्चे अंडे देना असि की चूचे कराने उबाल के दे उबाल देना पुत्तर जा गिलास अदर कर पुत्र जा गिलास की कहने लगा पुत्र कुछ शोरा तो नहीं पीन लगा शराब पीन लगा वेले किथे सुल्तान मफरूर पीना गया और जिन नाल लमोनी होती की कह रहे हैं बाबा आ भाई गए यहां फट गए फिर मैं नहीं पता नहीं सुल्तान किधरे नजर आवे मैं अखा बंद कर लगा जी अखा बंद नहीं करनी कहना है कि इतना आवे